Hello to our loving children of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear children, as we all know, now it's our study time. So get ready, all of you. Our today's schedule Class 3rd, Subject Mathematics, Lesson 4 Addition, Part 2 hello my loving student how are you all today hope you all are doing well at home yes good so my dear student uh, now today we will start exercise 5 so are you ready yes good so first of all take out your pencil book and notebook okay so now uh, first we uh, learn some example how we add tens hundred and thousand of any number okay so look at here look this example adding 10 okay so the number is 325 plus 10 so dear student when 10 is added to a number the value of digit at the tens place increased by 1 means ki kisi bhi number mein jab hum टेन प्लस करते हैं देन जो डिजिट है नंबर है उसमें टें प्लेस का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा ओके इज इट क्लियर देखिए एग्जांपल ओके थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस टेन सो द आंसर इज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फाइव ओके एंड व्हेन वी एडिंग हंड्रेड ऑफ एनी नंबर

वैन वी एडिंग थाउजेंड टू अंबर देन द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस इनक्रीज बाय वन इससे आपको बेटा क्लियर हुआ कि किसी भी नंबर में यदि हम टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड एड करते हैं तो पर्टिकुलर वो प्लेस जो होगी वो चेंज हो जाएगी यस एक्सरसाइज फाइव सो देखिए हेयर इज फिलिंदी ब्लैंक्स सो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल अप कंप्लीट करेंगे इन योर बुक ओके देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ हेयर इज सेवेंटी टू प्लस टेन इक्वल्स टू सो देखिए सेवन की वैल्यू टें प्लेस को आपको रिप्लेस करना है ना देन सेवन में वन आपने ऐड किया देन क्या हुआ एट यस सो द आंसर इज एटी टू so same as uh, complete yourself in your book okay now exercise 6 and 6 exercise that is problem sums okay so first of all dear student read the question very carefully okay so the question is a postman delivered 2537 letters in month of march and थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव लेटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल सो हाउ मैनी लेटर्स डिड द पोस्टमैन मैन डिलीवर इन द टोटल इन टू मंथ्स सो इट इज़ वेरी ईजी टू मंथ्स में टोटल पोस्टमैन ने कितने लेटर्स डिलीवर्ड किए सो देखिए यहाँ तो इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है मीन्स लैंग्वेज भी लिखी हुई है सिर्फ आपको इसका आंसर करना है सो so, देखिए एन बेटा दिस एक्सरसाइज ऑल्सो डू इन योर बुक क्योंकि यहाँ हेयर इज स्पेस गिविन ना आपको स्पेस गिविन है यहाँ सो यू डू इन योर बुक ओके सो देखिए लैंग्वेज भी लिखी हुई है लेटर्स डिलीवर्ड इन मार्च हाउ मैनी यस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सेवन एंड लेटर्स डिलीवर इन अप्रैल यस थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव नाउ एडिट ओके okay, आप इन सबको ऐड हम्म और ऐड करने के बाद आप आंसर लिखेंगे आंसर में देखिए बेटा यहाँ स्पेस दिया हुआ है ना ब्लैंक छोड़ा हुआ है सो so, जो आपका राइट right आंसर होगा वो आप यहाँ लिखेंगे ओके एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए स्कूल ए हैज़ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी स्टूडेंट्स एंड स्कूल बी हैज़ फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव स्टूडेंट सो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ऑल सो हियर इज स्टूडेंट इन स्कूल ए जल्दी से लिखिए यहाँ ए स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स येस बेटा आपको जो भी डेजिट लिखेंगे वो आप प्रॉपर कॉलम में लिखेंगे यानी कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड जो प्रॉपर प्लेस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर लिखेंगे ओके एंड नेक्स्ट लाइन देखिए स्टूडेंट्स इन स्कूल बी सो आप लिखिए एंड इन लास्ट टोटल ऑल स्टूडेंट्स ओके एंड आंसर में जो आपको स्पेस गिवन है वहाँ आप आंसर लिखेंगे ओके ओके एंड डियर स्टूडेंट डू यू नो वैन we add zero to any number, the sum is number itself. आपको पता है किसी भी नंबर पर में when we add zero the then the answer will be number itself. okay yes चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसे here is टू हंड्रेड एंड सेवेंटीन एंड प्लस ज़ीरो सो द आंसर इज टू हंड्रेड सेवेंटीन ओके and second point when one is added to a number the sum is the successor of the given number means ki kisi bhi number mein when we add one so the number will be next number means successor number means uh, uh, suppose you have 15 and when we add one then the when then you have यस वेरी गुड मीन्स उस जो भी गिविन नंबर होगा उसका सक्सेस नंबर ओके एंड थर्ड पॉइंट देखिए अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडेंस डज नॉट चेंज द सम मीन्स किसी नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं लाइक ट्वेंटी सेवन प्लस वन वन हंड्रेड थर्टी फाइव इक्वल्स टू वन सिक्सटी टू एंड सेम इफ मैंने अगर ऐसे किया इसको एडेंट को चेंज कर दिया मीन्स पहले मैंने ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी वन हंड्रेड थर्टी फाइव किया था बट मैंने अगर वन हंड्रेड थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन किया दैन द आंसर विल बी सेम मस यहाँ सिर्फ मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया है डिजिट चेंज नहीं की है सो द आंसर विल बी द सेम ओके है ना आसान यस सो नाउ डू एक्सरसाइज सेवन इन बुक इट इट इज फिल ओके एंड बेटा जैसे कि आपने अभी प्रॉपर्टीज को समझा उसी के अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ओके okay. चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्री हंड्रेड नाइनटीन प्लस जीरो What will be the answer? Tell me. Yes. What we write in box? Yes. 319. Very good. Chali ek all question they uh, That is question number seven. Here is four hundred thirty six plus three hundred and seven equals to three hundred seven plus. बॉक्स ब्लैंक है सो so, बताइए यहाँ आप क्या नंबर लिखेंगे यस क्योंकि देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है एंड आपने थ्री हंड्रेड सेवन लिखा हुआ है सो व्हाट नंबर इज रिमेन कौन सा नंबर रह गया है बताइए यस सो यू राइट हियर फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ओके सो बेटा इसी के अकॉर्डिंग आप आ, ये बॉक्सेस को केयरफुली फिल करेंगे ओके एंड नाउ एक्सरसाइज एट एंड एक्सरसाइज एट ओके लुक एट ही स्टूडेंट पेज नंबर थर्टी फाइव हेयर इज स्पेस गिव इन एक्सरसाइज ना बट आप इसको इस एक्सरसाइज को डू इन योर नोटबुक बिकॉज आपके लिए यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा सो so आप ये एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग सो so, चलिए पहले इसका रूल आप देखिए इसको रूल को समझिए पहले सो so, फर्स्ट इसका रूल क्या है एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू मीन्स कि आप जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को पहले आप ब्रेक करेंगे चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ ओके सो फर्स्ट देखिए आपको क्या करना है बेटा पहले नंबर को ब्रेक करना है जो भी आपको नंबर्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं पहले आप उन नंबर को ब्रेक करेंगे देन ऐड ओके सो चलिए लुक दिस एग्जांपल हेयर इज थर्टी नाइन प्लस फोर्टी फाइव ओके सो फर्स्ट थर्टी नाइन को आप एक्सपेंड करेंगे थर्टी नाइन इक्वल्स टू थर्टी प्लस नाइन देन फोर्टी फाइव को एक्सपेंड करेंगे सो फोर्टी फाइव इक्वल्स टू 40 plus 5. Now 39 plus 45 equals to 30 plus 40 plus 9 plus 5. So first we add 30 plus 40. Okay. So 30 plus 40 is yes equals to 70. Okay. And now 9 plus 5. So 9 plus 5 equals to 14. And now 14 plus सेवेंटी और सेवेंटी प्लस फोर्टीन ओके सो सेवेंटी प्लस फोर्टीन इक्वल्स टू एटी फोर सो क्लियर हो गया आपको कि आपने किस तरीके से पहले नंबर को ब्रेक किया मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा देन ऐड ओके सो लाइक दिस यू डू एक्सरसाइज एट इन नोटबुक चलिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ ये थोड़ा सा चेंज है एड बाई काउंटिंग इन टेंस इस क्वेश्चन में क्या करना है एग्जाम्पल देखिए हेयर इज़ एट्टी सेवन प्लस ट्वेंटी वन सो एटी सेवन आप कैसे इसको करेंगे आप देखिए इस एग्ज़म्पल को एट्टी सेवन प्लस टेन क्योंकि हमने ट्वेंटी वन को एक्सपेंड करेंगे ओके सो हेयर इज टेन प्लस टेन प्लस वन Okay, equals to so first we add 87 plus 10. Okay, so 87 plus 10 is 97. Okay, and 97, yes, dear student, so 87 plus 10 equals to 97 plus 10. So here is 100 and सेवन and now in last plus वन so the answer will be वन हंड्रेड एंड एट इज इट क्लियर ना बेटा इसमें simply क्या किया गया है कि numbers को जो first number है जो भी given number है plus जो नंबर आपको दिया गया है जैसे कि यहाँ ट्वेंटी वन था उस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म करते हुए आपको वन बाय वन जो एड एंड है उसमें आपको प्लस करना है जैसे कि आपने यहाँ इस एग्जाम्पल में देखा ओके सो लाइक दिस यू डू योर एक्सरसाइज इन नोटबुक एंड सो माई डियर स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी ओके एंड माई डियर चिल्ड्रेन होप You enjoyed this class, and now it's time for your homework. My dear students, in your homework, complete video class work as per given instruction in very proper handwriting. Okay, my dear students, bye bye, take care, see you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe, God bless you.